हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे यूरोपियों का आगमन, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि एक दो वीडियो ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि हमने आपको पुर्तगालियों के बारे में एक एक चीज मैंने बताया था, ठीक है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं डचों के बारे में पढ़ेंगे और अंग्रेजों के बारे में आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं आज हम इस सेशन पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पिछले सेशन में जो पुर्तगाली थे उन्होंने कैसे समुद्र पे एक पूरा अपना एकाधिकार कर लिया था, ठीक है, और जितने भी अरब व्यापारी थे इनसे पहले उनके सारे व्यापार को इन्होंने ठप कर दिया। कौन कौन से रास्ते इनके बंद कर दिए, तो हॉर्मुज की खाड़ी थी आपकी, और आपका जो था यहाँ पे अदन की खाड़ी, ठीक है ना, हॉर्मुज जल संधि और अदन की खाड़ी और मलक्का पे, ठीक है। तो इन तीनों मार्गों के द्वारा क्या किया कि अरब वालों का एक पूरा का पूरा जो व्यापार था वो ठप कर दिया पूर्वी एशियाई देशों के साथ, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर डचों की क्या जरूरत थी, कैसे डच जो है पूर्वी व्यापार के लिए प्रभावित हुए, पूर्वी व्यापार पूर्वी क्षेत्रों से व्यापार करना चाहते थे, पूर्वी एशिया से व्यापार करना चाहते थे। तो इसके जो थे मुख्यतः तीन कारण थे, ठीक है। पहला कारण क्या था, जरा सुनिएगा, कि जो भी पुर्तगाल वाले अपने मसाले लेके जाते थे लिस्बन, ठीक है, क्योंकि पुर्तगाल की जो राजधानी है वो लिस्बन है, ठीक है ना, और पुर्तगाल के लिस्बन में जितने भी मसाले जाते थे उस लिस्बन से, ठीक है ना, जरा ध्यान दीजिएगा, लिस्बन से क्या होता था, यहां पर मान लीजिए क्या है आपका लिस्बन, ठीक है ना, लिस्बन से यहां देखिएगा एंटवर्प, ठीक है, एंटवर्प तक क्या होता था कि माल ले जाने का कार्य कौन करता था, ये करते थे आपका डच, ठीक है। देखिए क्या था, मतलब ये पुर्तगाल वाले जो थे वो पूरा का पूरा एशिया से मसाला लेकर के कहां पहुंचे थे, तो लिस्बन पहुंचे थे, और इस लिस्बन से एंटवर्प लेकर के कौन माल जाता था, तो ये लेके जाते थे डच वाले, ठीक है। अब इस एंटवर्प से क्या होता था, पूरे यूरोप में जो है मालों की सप्लाई होती थी, ठीक है। ये थोड़ा सा एक आप ओवरव्यू देख लीजिएगा। अब देखिए क्या है कि यहां से जब ये मसालों को यहां से लेके जाते थे, पूरे यूरोप में जब मसाले जाते थे, तो यहां से डचों को जो क्या है कि थोड़ा सा अनुभव होने लगा कि मसालों में फायदा बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। यहां पे इनको एहसास हुआ कि क्यों ना अगर हम क्या कर लें, हम भी यहां से मसाले ना ले जा करके हम डायरेक्ट पूर्वी एशिया से मसाले लेकर आकर पूरे यूरोप में हम क्या करें, सप्लाई करें, तो हमको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। पहला कारण था इनका, ठीक है ना। दूसरा कारण क्या था कि उस समय पुर्तगाल और स्पेन, मैंने आपको बताया कि दो देश बहुत ज्यादा आगे थे, ठीक है ना। तो उस समय जो मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग अमेरिका वगैरह पे क्या हो रहा था कि आपका स्पेन वालों ने कब्जा कर रखा था, और नीदरलैंड, जैसा कि मैंने बता रहा हूं आपको, ये जो डच वाले हैं डच को क्या कह रहे हैं, हॉलैंड, ठीक है ना, और हॉलैंड जो है कोई देश नहीं है बल्कि नीदरलैंड, आपने नाम सुना होगा नीदरलैंड का, नीदरलैंड का पश्चिमी भाग जो है उसको हम बोलते हैं हॉलैंड, ठीक है ना। नीदरलैंड का जो पश्चिमी भाग है वो बोलता है, बोला जाता है क्या, हॉलैंड। जैसे कि आप एक बात देखिए जा रहा था यहाँ पे, ये है आपका लगभग लगभग क्या है आपका नीदरलैंड, ठीक है ना, ये नीदरलैंड है। नीदरलैंड के नीचे आपको मिल जाएगा क्या, बेल्जियम, ठीक है ना, ये आपका है नीदरलैंड, ठीक है, और ये आपका हो गया बेल्जियम, ठीक है ना, बेल्जियम, ये है आपका बेल्जियम, और यहां पे लगभग आपका क्या हो जाएगा, जर्मनी है, ठीक है ना, जर्मनी है। यानी कि ये जो नीदरलैंड है दो देशों के साथ क्या करता है, अपना सीमा साझा करता है। आप एक बार मैप पे जरूर देखिएगा, क्योंकि जो देखिए क्या है, जिसके बारे में बताता हूं उसके मैप को भी मैं आपको बताना चलता हूं कि अगर आप यूपीएससी का मेंस देने के लिए लिखेंगे या फिर आप यूपीपीसीएस का मेंस देने जा रहे हैं तो वहां पे मैप का बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है। तो आपको जो है अगर कोई बातें आप अगर कह रहे हैं, मैप अगर आपको ड्रॉ करके दिखा देते तो एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ बंदे के अंदर कुछ ताकत है, यानी कि कुछ जानता है ये, ठीक है ना। आप देखिए क्या, अब यानी कि मैंने आपको बताया कि जो डच वाले बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं कि उनको पता ही नहीं डच कौन है, ठीक है ना। अगर ये भी जान जाते हैं डच हॉलैंड वाले थे, अब उनको ये नहीं पता कि हॉलैंड क्या है, अब वो मैप पे जाकर ढूंढने लगते हैं हॉलैंड कहाँ पे है, बल्कि उनको हॉलैंड कहीं दिखता नहीं, क्योंकि हॉलैंड कोई देश नहीं है बल्कि हॉलैंड और नीदरलैंड दोनों एक ही चीज है, और नीदरलैंड का जो पश्चिमी भाग है वही क्या होता है कि आपका हॉलैंड है, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा सा आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहली बात क्या थी ना कि नीदरलैंड पे स्पेन वालों का कब्जा था, ठीक है ना, नीदरलैंड पे स्पेन वालों का कब्जा था, और इसे छुड़ाने के लिए इन्होंने काफी मेहनत किया था, ठीक है ना, काफी मेहनत किया था। और आपको पता है कि उस समय जो जो भी अभियान चलते थे, नीदरलैंड पुर्तगाल दोनों साढ़ू बन चुके थे एक दूसरे के, ठीक है ना, वो करते क्या था कि ये एक दूसरे का व्यापार यहाँ पे साझा करते रहते थे और इनपे बहुत ज्यादा बनती थी, ठीक है। तो जब
नीदरलैंड वाले जो भी हॉलैंड वाले डच थे वो क्या किए कि स्पेन से बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी और लड़ने के बाद नीदरलैंड को आजाद कराया। ठीक है, तो ये राष्ट्रवाद की भावना इनके अंदर कहीं ना कहीं खटक रही थी और इसके वजह से वो पुर्तगालियों से बदला लेने के चक्कर में वो कहे कि बेटा अब हम भी क्या करेंगे, पूर्वी एशियाई देशों से हम भी क्या करेंगे, व्यापार डायरेक्ट करेंगे, अब तुम रोक लो। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या होती है, तीसरा कारण यहाँ पे इनका पूर्वी एशियाई देशों में आने का कारण ये है कि सबसे पहले ये कॉर्नेलिस डी हाउटमैन पहला डच था। जरा याद रखिएगा, मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे लिख देता हूं, बाकी मैं आपको लेक्चर से सारी कहानी को मैं बताता रहता हूं। ठीक है, पहला डच था कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, ये 1596 में सुमात्रा पहुंचा। आपको पता होगा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में ये पड़ता है सुमात्रा। ठीक है ना, सुमात्रा पहुंचता है और वहां पे देखता है बहुत सारे मसाले के व्यापार, काली मिर्च का व्यापार, जो कि अगर वहां से यूरोप में लाकर अगर हम बेचेंगे तो लगभग 60-70 गुना जो है हमें वहां से प्रॉफिट होगा। और ये आकर के जो है 1596 में जाता है और आकर के सारे नीदरलैंड सारे डच वालों को बताता है कि भैया ये ऐसी ऐसी चीजें हैं वहां पे, अगर हम व्यापार करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, तो ये तीन कारण थे। पहला कारण क्या था डचों का पूर्वी एशियाई देशों के व्यापार का, तो पहला कारण मैंने आपको बता दिया कि जो भी पुर्तगाल वाले थे कहां लेके जाते थे अपना पूरा मसाला, तो लिस्बन, लिस्बन से कहां जाता, एंटवर्प जाता था, और एंटवर्प ले जाने का कार्य कौन करता था, तो यही डच वाले करते थे, जिससे कि एंटवर्प से फिर यूरोप के बाजारों में सारा मसाले जो है पहुंचते थे। तो वहां पे कहीं ना कहीं उनको एक पता लगा कि हाँ मसालों में बहुत ज्यादा फायदा है, यानी हमको भी वहां पे चलना चाहिए। दूसरी चीज क्या थी कि नीदरलैंड पे स्पेन वालों का कब्जा था। नीदरलैंड पे जब स्पेन वालों ने कब्जा कर लिया था तब क्या था कि यहाँ के जो डच जो थे वो बहुत ज्यादा मेहनत करके स्पेन से इसको यहाँ पे आजाद कराए थे। ठीक है ना, और जैसे ही स्पेन से आजाद कराया तो स्पेन का ही क्या था, ये दोस्त था आपका पुर्तगाल, और पुर्तगाल से इन्होंने क्या कर लिया, थोड़ा सा एक राष्ट्रवाद की भावना के ओत प्रोत इन्होंने कहा कि नहीं बेटा अब हम भी क्या करेंगे, हम भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करेंगे और तुम्हारा तो हम वाट लगा करेंगे। ठीक है, इसलिए यहां से डच वालों ने यहां पे एक और इनको कारण मिल गया जिससे कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ ही जाके व्यापार कर सकते थे। दूसरा कारण मैंने, तीसरा कारण मैंने आपको बताया था कि कॉर्नेलिस डी हाउटमैन था, इसको याद रखिएगा, कॉर्नेलिस डी हाउटमैन 1596 में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के सुमात्रा में पहुंचने वाला पहला डच था। ठीक है ना, पहला डच, याद रखिएगा इसको। और ये भी आकर के इनको बहुत ज्यादा बताता कि हाँ भाई अगर हम यहां से व्यापार करके बेचेंगे हमें बहुत ज्यादा क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या करते हैं, अब जब ये तीनों कारण को मिल जाता है, इनको तीनों तरफ से फायदा दिखने लगता है, अब ये करते क्या है कि इन्होंने एक, आपको मैं नाम बताने जा रहा हूं, फ्लूट शिप। ठीक है ना, फ्लूट, ठीक है ना, फ्लूट शिप। ये फ्लूट शिप क्या है, फ्लूट शिप एक प्रकार का जहाज था, एक प्रकार का आधुनिक जहाज था, उस समय का आधुनिक जहाज जो पुर्तगालियों के जहाज से बिल्कुल हल्का और तेज चलने वाली थी, जिसको कम लोगों के द्वारा भी इसको चलाया जा सकता था। ठीक है ना, और एक इस प्रकार की, देखिए मैंने आपको बताया कि जिसके पास टेक्नोलॉजी आई है वो दुनिया पे राज किया है। ठीक है ना, जिसके पास भी टेक्नोलॉजी आई है वो दुनिया पे राज किया है, इसको आप जानिएगा। और ये फ्लूट शिप जहाज की जब क्या करते हैं, ये निर्माण कर लेते हैं, तो इसकी खासियत ये थी कि जो पुर्तगाली जहाज थी उससे बहुत ज्यादा हल्की थी और पुर्तगाली जहाजों से बहुत तेज चल सकती थी। ठीक है ना, और इसमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं थी, और उसके साथ साथ इसमें जो एक वित्तीय आय की जो वित्त का जो कटौती होता था, जो पैसे ज्यादा खर्च ज्यादा लगता था, उसकी भी बचत होती थी यहाँ पे, तो तीन चार बहुत बड़े बड़े फायदे थे। ठीक है, अब देखिये क्या होता है कि अब जो है वो लोग फ्लूट शिप जहाज के द्वारा अब क्या करते हैं, आने का प्रयास करते हैं, लेकिन करना क्या होगा, अब हॉलैंड में जो है पूंजी का एक बहुत बड़ा रोल था, जब तक एक पूंजी नहीं होगी, जब तक पूंजी नहीं होगा तब तक जो है कोई कंपनी बैठेगी नहीं, इसलिए कई सारे लोगों ने मिलकर के एक कंपनी बनाई जिसको बोलते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में वोक भी कहते हैं, आप इसका वोक का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है, आप इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यानी कि देखिये क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि 1602 ईस्वी में, ठीक है ना, कब, तो 1602 ईस्वी में, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है ना, देखिएगा 1602 ईस्वी में, ठीक है, 1602 ईस्वी में कंपनी की क्या होती है, यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती थी। और देखिए यहाँ पे इस कंपनी की विशेषता ये थी कि ये एक संस्था थी, और क्या है, जब ये एक संस्था थी 1602 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था, और इसका, इसको हम क्या कहते थे, वोक भी बोल सकते थे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं कि अब एंटर करते हैं आपके
एशियाई देशों में, ठीक है ना, जब ये एशियाई पूर्वी एशियाई देशों में एंटर करते हैं तो जरा देखिएगा ये अपनी फैक्ट्रियां बसाना चालू करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा जब आते हैं ना तो पुर्तगालियों की तुलना में उदार होकर के आते हैं, ठीक है ना। उदार होकर आने का मतलब ये हो गया कि उन्हें क्या होता है कि भारत के कुछ शासकों द्वारा छूटे भी उनको मिल जाती हैं, क्योंकि वो एक उदार भावना से आए थे। लेकिन अगर आप पुर्तगालियों को देखेंगे तो वो पहले ही आते आते क्या किए, जो वास्को डी गामा 1502 में जब दूसरी बार पहुंचा था तो जमोरियन से उसने लड़ाई कर ली थी, और जमोरियन से लड़ाई कर दी यानी कि पहले ही उनकी मंशा जो थी वो लूट खसोट की थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है जो डच वाले थे वो जाकर के अपना एक उदारवादी भाव दिखाते हैं, उनके साथ मिलजुल कर रहते, तो वहां के जो शासक हैं वो भी इनका सपोर्ट करते हैं, और उनके सपोर्ट की वजह से क्या होता है, मुसलीपट्टनम में क्या होता है 1605 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री डालते हैं, पुलकित में जो है वो 1610 में डालते हैं, और विलीमपट्टनम में जो है आपको 1641 में ये कंपनी डालते हैं, ठीक है ना। और करिकल में 1645 में कासिम बाजार पटना बालासोर वो नेगापट्टनम में 1658 में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, कोचीन में ये 1663 में करते हैं। तो आपको जो है दो तीन चीजें बहुत याद रखनी है इसमें, एक तो मुसलीपट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, ये कासिम बाजार पटना बालासोर वाला आप याद कर लीजिएगा, और ये कोचीन याद कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इनको आप एक बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, चूंकि ना सबसे पहले जब ये एंटर करते हैं तो इनका क्या होता है, चूंकि वहां पे समुद्र पे मैंने आपको बताया किसका प्रभुत्व था, तो पुर्तगालियों का था, तो अब पुर्तगालियों से तो इनको क्या करना पड़ेगा, जंग तो लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये क्या था ना, ये इतने बहादुर भी थे कि इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों के सारे जगहों से इनको भगाना चालू कर दिया, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो मलक्का स्ट्रीट था उस पे क्या करते हैं ये लोग, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1511 में, ठीक है ना, 1511 में पुर्तगालियों का कब्जा था मलक्का पे, मलक्का पे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना 1511 में पुर्तगालियों का कब्जा था मलक्का पे, तो इनके एक अधिकार हो गया था वहां पे। जैसे कि मान लीजिए आपका क्या था, मलेशिया, ये लगभग जो है इंडोनेशिया के बीच में, ये था आपका सिंगापुर है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका मलक्का था, ठीक है। अब इस मलक्का से क्या होता था, पूरे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार इसी रास्ते से होता था, ठीक है ना। अब क्या होता है कि डच लोग क्या करते हैं कि जो 1511 ईस्वी में पुर्तगाली यहाँ पे कब्जा करके बैठे थे, ये डच वाले इनको भगा देते हैं, कब, 1641 में भगा करके इस मलक्का पे क्या कर लेते हैं, ठीक है, मलक्का पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। मलक्का पे कब्जा कौन कर लेता है, तो 1641 ईस्वी में डच वाले कर लेते हैं। और फिर चूंकि श्रीलंका में भी क्या होता था कि पुर्तगालियों ने कब्जा जमा रखा था, तो श्रीलंका पे पुर्तगालियों को भगा देते हैं, श्रीलंका में से पुर्तगालियों को भगा देते हैं, कब, 1658 में क्या होता है, श्रीलंका पे भी क्या होता है, ये लोग जाकर के अपना बसेरा डाल देते हैं। यानी कि यहाँ पे जरा देखिएगा, जितना पुर्तगालियों ने जितना भी अपना साम्राज्य फैलाया था, धीरे धीरे क्या किया, डचों ने उसको समाप्त करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। अब डच धीरे धीरे क्या होते गए, ताकतवर होते गए, क्योंकि उनके पास अत्याधुनिक जहाजें थी, ठीक है। और वो जब आए एक उदारवादी भाव लेकर के आए, और वो एक कंपनी नहीं थी उनकी एक संस्था थी जो कई लोगों ने वहां पे मिलकर चला रहे थे, ठीक है। और इसकी जो आरंभिक पूंजी लगी थी लगभग 1650 गिल्डर लगी थी, कितनी लगी थी इस कंपनी को स्थापित करने में, 1650 गिल्डर, या ठीक है ना, 1650 गिल्डर लगा था, ठीक है। गिल्डर वहां पे एक प्रकार का मुद्रा होता है, जैसे हमारे यहाँ रुपया है, वहां पे गिल्डर होता था, ठीक है ना। यानी 1650 गिल्डर की इसकी आरंभिक पूंजी थी, और वहां पे जो है स्टर्डम में दो नए बैंक भी खुल गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से इनको पूंजी की कमी भी नहीं होती थी, और ये लोग क्या करते थे, अपना जो भी अभियान था वो आसानी से चला लेते थे, ठीक है। अब जरा आगे यहाँ पे देखिएगा कि मुख्य केंद्र जो था ये इंडोनेशिया था, क्यों इंडोनेशिया था, क्योंकि जो मसाले का बाजार व्यापार था वो इंडोनेशिया में था, और इंडोनेशिया से सारा जो मसाला था ये लोग यूरोप ले जाकर के बेचते थे, इसलिए अपना जो एक मुख्य केंद्र बना लिया, एक मुख्यालय बना लिया, वो इंडोनेशिया को बना लिया, ठीक है ना। और देखिए चूंकि क्या था कि इंडोनेशिया सिर्फ इनको क्या मिलता था, मसाले मिलते थे, ठीक है ना। अब जो था कि भारत, जिसे मैंने आपको बताया नेगापट्टनम, ठीक है ना, कालीकट जो होता है पूर्वी तट पे पड़ता है आपका, पूर्वी भाग के तट पे पड़ता है भारत के प्रायद्वीप में, ये कालीकट से क्या होता था कि कपड़ों का निर्यात ये लोग इंडोनेशिया वगैरह में करते थे, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में करते थे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कल पूरा बताया था कि जो पुर्तगाली थे वो भी कपड़ों का जो निर्यात करते थे नागापट्टनम, ठीक है, नागापट्टनम बंदरगाह से कपड़ों का निर्यात दक्षिण पूर्वी एशियाई में करते थे। ये लोग भी पहुंचे कालीकट से, ये लोग क्या करते थे कि पूरा जो भी कपड़ा आता था, कपड़ा का सारा व्यापार जो है ले जा करके कहां सेल करते थे, तो ये लोग दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में करते थे, ठीक है ना। और वहां से मसाले ले जाकर कहां पहुंचते थे, तो वहां का मसाला ले जाकर के
ये लोग लगभग लगभग आपका यूरोप में सारा बेसे थे। लेकिन देखिए क्या है कि अब ये भी आया, पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों को इन्होंने हराया, अब इनको हराने वाले आगे अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज भी तो आते हैं ना, तो अंग्रेजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे जल्दी ही। लेकिन पहले देखते हैं कि क्या होता है अंग्रेजों के साथ जो है ना, अब इनकी भी क्या होती है, झगड़ा चालू हो जाता है। क्योंकि जब भी दो शक्तियां, क्योंकि जानते हैं कि जब भी एक जंगल में दो शेर रहेंगे वहां पर लड़ाइयां होंगी, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि यहाँ पे 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, ठीक है ना। 1759 में किसका युद्ध होता है दोस्तों, तो बेदरा का युद्ध होता है। और ये जरूर याद रखेगा, ये एग्जाम में पूछ रखा है कि बेदरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, ठीक है ना। तो बेदरा का जो युद्ध था वो हुआ था आपका डच और अंग्रेजों के बीच में। और इसी बेदरा के युद्ध से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा इनकी जो शक्ति सिमट गई, और सिर्फ जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक ही सीमित रह गए मसालों के व्यापार तक, ठीक है ना। तो ये चीज आप इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, और डचों के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। अब जब हम अंग्रेजों की बात करेंगे, तो अंग्रेजों की बात जब करेंगे तो उसमें पुर्तगाली भी आएंगे और डच भी आएंगे, ठीक है ना। और इन दोनों का फिर हम साझा एक बार कंबाइन करके तीनों को देखेंगे। तो चलिए एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं अंग्रेजों के बारे में। आइए दोस्तों देखते हैं अंग्रेजों के बारे में, ठीक है ना। अभी तक हमने जो डचों के बारे में पूरा पढ़ा है, अब आते हैं अंग्रेज, ठीक है ना। अब चूंकि अंग्रेज जब आते हैं तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। जो अंग्रेज थे तो सबसे पहले क्या है कि 1599 में, ठीक है ना, 1599 में मेंडेनहॉल भारत आया था। एक व्यापारी था, दुस्साहसी व्यापारी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत ही बेवड़ा किस्म का था, ठीक है ना। और वो मेंडेनहॉल जो था ये पहली बार भारत में आया था, और इसके द्वारा भी क्या है कि थोड़ा ब्रिटेन वाले जो है वो ज्यादा प्रभावित हुए इसके कथनों के वजह से, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण दिन, ठीक है ना, 1600 ईस्वी की सबसे महत्वपूर्ण ये सही थे, ठीक है ना। अब 1600 ईस्वी में होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के लिए क्या होते हैं कि लंदन डिस्ट्रिक्ट हॉल में कम से कम 24 निदेशकों की, ठीक है ना, 24 निदेशक मिल करके एक कंपनी की स्थापना करते हैं, ठीक है ना। एक कंपनी की स्थापना करते हैं कितने लोग मिलकर के, तो 24 निदेशक लोग मिलकर, ठीक है ना, 24 निदेशक मिलकर के एक कंपनी की स्थापना करते हैं। कब करते हैं, तो 1600 ईस्वी में करते हैं, ठीक है ना। और जब 1600 ईस्वी में करते हैं तो क्या होता है कि 1600 ईस्वी में ही रानी एलिजाबेथ, ठीक है ना, उस समय जो रानी एलिजाबेथ थी वहां की, इंग्लैंड की जो रानी थी, उनके द्वारा चार्टर का मतलब होता है आदेश पत्र होता है, ठीक है ना। उस चार्टर के द्वारा इनको शुरू में 15 वर्षों के लिए, ठीक है ना, कितने वर्षों के लिए याद रखिएगा, सारी चीजें लिख के रखिएगा और एक भी चीज मिस मत करिएगा, ठीक है ना। तो इनको जो है शुरू में 15 वर्षों, ठीक है ना, 15 वर्षों के लिए क्या है कि व्यापार के लिए छूट मिलती है गवर्नर और कंपनी को, ठीक है, लंदन की कंपनियों को क्या होता है कि लगभग 15 वर्षों के लिए अधिकार प्राप्त होता है कि भैया आप क्या करिएगा, 15 वर्ष तक आप जाकर के वहां पे व्यापार करिएगा, एक चार्टर इनको प्राप्त हो जाता है। लेकिन जस्ट क्या होता है ना कि 1609 में ही क्या होता है ना, एक और आदेश पत्र ये जारी करती है रानी एलिजाबेथ, और कहती है कि चूंकि ये जो 15 वर्ष है ना, अब इसको हटा दो, तुम लोग जितना मन ना उतना तुम लोग वहां पे जाके व्यापार करो, जितना दिन तक चाहे उतना दिन तक, ठीक है ना। यानी ये 15 वर्षों की समय सीमा कब समाप्त कर दी जाती है, तो 1609 ईस्वी में, याद रखिएगा। एक एक चीज आपको एग्जाम में याद रखना है, क्योंकि जो भी इतिहास से फैक्ट जो होते हैं ना, वहां से आपको घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछेगा जब यूपीपीसीएस में या फिर यूपीएससी में, तो थोड़ा सा आपको दिक्कतें होंगी, ठीक है। इतना आसान नहीं होगा कि आपको वहां पे जितने भी आंसर हैं वो आसानी से आपको दे दे, आपको घुमाने का प्रयत्न करेगा। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जब शुरू में 15 वर्षों के लिए अधिकार उनको मिलता है, ठीक है ना, और लेकिन 1609 में क्या होता है कि ये अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है ना। कितने लोग मिलकर के कंपनी की स्थापना किए थे, तो 24 लोग, ठीक है ना। लंदन के डिस्ट्रिक्ट हॉल में इसकी पूरा बैठक हुई थी, ठीक है ना। आप देखिए क्या होता है कि सबसे पहले जो है ना, ये लोग जब 1600 ईस्वी में क्या होता है कि जब एंटर करते हैं, तो आपको पता होगा कि लगभग 1608 में जो है ये सूरत में एक अपना कारखाना बना लेते हैं। लेकिन वो कारखाना अस्थायी नहीं था, याद रखिएगा, वो कारखाना अस्थायी नहीं था। और ये क्या करते हैं ना, ये शुरू में आते जरूर है, लेकिन उस समय डचों का प्रभाव बहुत ज्यादा थे हमारे यहाँ, ठीक है ना। आने के बाद ये क्या करते थे, डचों से छोटी कंपनी भी थी इनकी, ये भी याद रखिएगा। जब ये आए थे तो डचों के मुकाबले इनकी कंपनी बहुत ही छोटी थी, और डच इनके मुकाबले ज्यादा मुनाफा कमाते थे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये कहे कोई बात नहीं है, हम जो है इतने में काम चला लेंगे, क्योंकि उस समय इनका जो प्रॉफिट होता था ना वो सिर्फ लगभग 20% का ही प्रॉफिट होता था इनका, ठीक है। लेकिन फिर भी ये खुश थे, और ये क्या करते थे, लगभग इनको 12 वर्षों तक इनको 20% का ही प्रॉफिट होता रहा। और उस समय ये सिर्फ मसालों के व्यापार पे क्या करते थे, अपने आप को फोकस रखते थे। लेकिन
इन्होंने देखा कि जो भारत के अंदर जो कपड़े का व्यापार हो रहा है उसमें भी बहुत ज्यादा मुनाफा है, अगर हम उसको निर्यात करेंगे तो वहां से भी हम बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। जो हमारा मुनाफा 20% का हो रहा है वो आगे चल के बढ़ सकता है, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए चाहिए क्या, चूंकि इन्होंने क्या किया था कि मसूलीपट्टनम में जो है ऑलरेडी जो है ये लोग अपना कारखाना डाल चुके थे, क्योंकि आपको पता है कि दक्षिण भारत में उस समय कोई एक मजबूत शासक नहीं था, इस वजह से क्या है कि वहां पे कोई भी जाकर के अपना एक कारखाना खोल लेता था। लेकिन उत्तर भारत में मुगलों का शासन था और उस समय जो मुगल थे वो काफी प्रभावशाली थे उत्तर भारत में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी अंग्रेज का क्या होता है कि जब कपड़ों के व्यापार पे इनकी नजर जाती है तो ये सोचते हैं कपड़ों का क्यों ना कारखाना खोला जाए, लेकिन उससे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, मुगल सम्राटों से क्या करना पड़ता, फरमान जारी कराना पड़ता। तो इसलिए क्या होता है कि कैप्टन विलियम हॉकिंग को, ठीक है ना, आपने नाम बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं पहली बार आया, ठीक है ना, नहीं तो क्या है कि वो लोग कहते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंग को जहांगीर के दरबार में, आगरा उसका दरबार था, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में दिल्ली चल रहा होगा, ठीक है ना, दिल्ली का लाल किला वगैरह वगैरह, ठीक है, तो ये छोड़ करके सीधे आप आगरा पे आइएगा, ठीक है ना। तो आगरा दरबार में, ठीक है ना, 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंग जो है आगरा दरबार में, जहांगीर के आगरा दरबार में पहुंचता है और वहां पे ये सफल रहता है, मतलब फरमान पाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये पहले जाता तो उपहार लेके जाता है उनको, लगभग 25,000 सोने के सिक्के के बराबर उपहार लेके जाता है। तो जहांगीर भी बहुत ज्यादा इनसे खुश होता है और खुश होने के बाद कहता है कि चलो तुमको हम क्या करेंगे ना, हमारे यहाँ आए हो तुम, गरीब आदमी हो बेचारे, चलो तुमको 30,000 रुपए का वेतन दे देते हैं और 400 का मनसबदार दे देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 30,000 के वेतन और 400 के मनसबदार पे क्या करता है, इनको रख लेता है, और 400 का मनसबदार एक उच्च पद माना जाता था, ठीक है ना, मुगल सम्राट के शासन काल में, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, ये बेचारा असफल रहता है और ये क्या करता है ना, फिर वो 1616 में ये क्या करता है, उनका दरबार छोड़कर चला जाता है। लेकिन उससे पहले क्या है ना कि 1611 में कैप्टन मिनलेटन को भेजा जाता है, ठीक है ना, कैप्टन मिनलेटन को भेजा जाता है और ये एक पुर्तगाली बेड़े को काफी अच्छे से क्या करते हैं, हरा देते हैं, और इससे क्या होता है कि जो जहांगीर था वो खुश हो जाता है, क्योंकि पुर्तगालियों से उसका जो था थोड़ा सा अनबन थी, ठीक है, इस वजह से क्या था, जैसे ही पुर्तगालियों की जहाज को इसने हराया, अब वो क्या किया कि कहा कि चलो ठीक है आप लोग बने, इनसे खुश होकर के उसने फरमान जारी कर दिया, ठीक है आप जो है सूरत में जाकर के अपनी फैक्ट्री डाल सकते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री डालने के लिए क्या था ना कि 1613 में सूरत में स्थायी कारखाने की, देखिए यहाँ पे वर्ड पे जरा ध्यान दीजिएगा, स्थायी कारखाने की बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपको किताबों में पहले भी मिल जाएगा 1608 वगैरह में, ठीक है ना, कि सूरत में कारखाना स्थापित हुआ पहली बार, लेकिन वो स्थायी नहीं था। आपको अगर अस्थायी पूछे तो आपको डीप में जाना है, शब्दों पर जरूर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो 1613 में सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित हुआ, ठीक है ना। अब क्या है, जब अस्थायी कारखाना स्थापित हो गया तो देखिए अस्थायी कारखाना जो भी स्थापित हुआ था ना, तो उस समय जो था ना कि अंग्रेज जो थे अपने सामान को एक दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करते थे भारत के अंदर भी, तो उन्हें हर राज्य में हर क्षेत्र में चुंगी देना पड़ता था, ठीक है ना। तो उस समय क्या हुआ कि उनको एक फरमान जारी हो गया, चलो ठीक है आप चुंगी मत देना, आप जो है पूरे वर्ष भर में हमको जो है वार्षिक जो है 10,000 रुपए आप देते जाना सूरत का, ठीक है ना। 10,000 रुपए वार्षिक के रकम पे क्या हो गया, इनको जो है मुक्त कर दिया गया सारे चुंगी वगैरह से, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आपको। मैं आगे इसको मैं थोड़ा सा कनेक्ट करके आपको बताऊंगा और अच्छा लगेगा। देखिए अब क्या है ना, अब बात आती है कि मद्रास में, चूंकि क्या है ना दोस्तों, ये शुरू में मद्रास और मुंबई बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं बंगाल की तुलना में, क्योंकि बंगाल में इनको संघर्ष तो करना पड़ता है, वहां पे प्लासिस की लड़ाई है आपके, फिर से बक्सर की लड़ाई होती है, इसमें थोड़ा सा उनको लड़ाइयां करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ये तो बहुत ही आसानी से इनको मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है ना कि 1639 में मद्रास के एक राजा थे, शासक थे, मद्रास के शासक से क्या हुआ ना कि वहां पे मद्रास को इन्होंने लीज पे ले लिया, ठीक है, लीज का मतलब होता है कि भाड़े पे ले लेना, ठीक है ना, यानी कि 1639 में मद्रास इन्होंने लीज पे लिया। और लेकिन अगले ही साल 1640 में, ठीक है ना, जरा याद रखिएगा 1640 की घटना, 1640 में क्या करते हैं ना कि जो विजयनगर साम्राज्य के एक क्या बोलते हैं उसको उत्तराधिकारी थे, उनसे विजयनगर साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी थे उनसे ये क्या करते हैं, छीन लेते हैं, चंद्रगिरी नाम था उनका, क्या नाम था, चंद्रगिरी, यानी कि 1640 में मद्रास छीन लेते हैं, किससे छीन लेते हैं, तो चंद्रगिरी से, ठीक है ना, चंद्रगिरी से ये क्या करते हैं, मद्रास को छीन लेते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी छीना छीनी वाला काम हो गया यहाँ पे। देखिए 1640 में मद्रास छीन लिया जाता है, पहले तो लीज पे लिए,
लेकिन जब जान गए कि भैया ये कमजोर हैं मुगल वाले तो यहाँ पे आएंगे नहीं, और यहाँ पे बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य आपस में सब बिखर चुके हैं, इसलिए क्या कर लिया कि यहाँ पर 1640 में चंद्रगिरी से जो है ये छीन लेते हैं मद्रास। ठीक है, अब देखिए आगे पहुंचते हैं तो आगे जो है ना 1687 में कंपनी का जो मुख्यालय है वो सूरत से बंबई लाया गया। लेकिन इससे पहले की घटना आप जरा सोचिए, ये सूरत से बंबई, लेकिन बंबई कब कब्जा में आया, ठीक है ना, बंबई कब ये लोग पा गए, ठीक है ना, बंबई एक प्रकार का उसमें टापू था। ठीक है, अब देखिए होता क्या है उस समय कि पुर्तगाल वाले और डच वाले दो पहले से थे, और पुर्तगाल और डच में पहले से लड़ाइयां चल रही थी, वो दोनों आपस में कट्टर थे क्योंकि डच वालों ने पुर्तगालियों को साफ कर दिया था। ठीक है, अब पुर्तगालियों की शक्ति कमजोर हो गई थी, इस वजह से क्या हुआ कि लगभग 1630 में मैड्रिड की संधि होती है। ठीक है, मैड्रिड की संधि होती है, और मैड्रिड की संधि किसके बीच में होती है तो 1630 में पुर्तगाल और अंग्रेज के बीच में। याद रखिएगा ये जो मैड्रिड की संधि है ना, पुर्तगाल और अंग्रेजों के बीच में होती है। ठीक है ना, क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक था, क्योंकि डचों का उसमें प्रभाव ज्यादा था और इनका प्रभाव बहुत कम था पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों ने भी सोचा कि डच ने हमें हम हराया है, तो बेटा जब हम नहीं रहेंगे तो तुमको भी नहीं रहने देंगे। ठीक है, इसलिए अंग्रेजों के साथ वो मिल गए। कब मिले, तो 1630 के मैड्रिड संधि के साथ मिल गए। ठीक है ना, और मिलने के बाद उन्होंने हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, और एक घटना और घटती है। ठीक है, अब पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच जो दोस्ती जो थी ना, अब वो रिश्तेदारी में बदल जाती है, दोनों साढ़ू बनने वाले हैं। देखिए कैसे, क्या होता है ना कि 1661 की घटना याद रखिएगा, 1661 ईस्वी की जो घटना थी, इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटेन के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटेन के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, वो क्या करते हैं, वो उनकी जो शादी हो जाती है पुर्तगाल के राजकुमारी के साथ, और जब पुर्तगाल के राजकुमारी के साथ होती है तो पुर्तगालियों ने क्या किया, बम्बई को उन्होंने दहेज में दे दिया, लो भैया दहेज में। ठीक है ना, अब वो क्या जो सम्राट थे वो क्या बम्बई आकर के वो कुछ करेंगे क्या, नहीं ना, तो उन्होंने क्या कर दिया, क्या कि चलो जब बम्बई मिल ही गया है तो इसको उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही उन्होंने बम्बई को हैंड ओवर कर दिया कि लो भैया ये बम्बई तुम रख लो, और इसको मुझे 10 पाउंड, ठीक है, सिर्फ 10 पाउंड, ठीक है ना, 10 पाउंड की राशि प्रति वर्ष आप हमको किराया देते रहना। ठीक है, बहुत कम राशि थी 10 पाउंड का, और प्रति वर्ष पूरे मुंबई का हमको किराया मिलना चाहिए। ठीक है ना, अब 10 पाउंड की किराए पे पूरे मुंबई को क्या कर दिया, दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1661 में बंबई में पा जाती है, तब करती क्या है कि 1687 में कंपनी का जो मुख्यालय सूरत में था वो उठा करके बंबई में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1690 में बंगाल का नवाब इब्राहिम खान ने कंपनी को बुलाता है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, अब धीरे धीरे साम्राज्य इनका बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, अब इब्राहिम खान जो था वो भी क्या करता है, बंगाल बुलाना स्टार्ट करता है। अरे बेवकूफ, काहे बुला रहे हो यार, तुमको तो बाद में वो परेशान करेगा, लेकिन पता तो था नहीं, अब वही हाल है। फिर देखिए अब क्या है कि जो इब्राहिम खान था वो क्या करता है, 1690 में इसको कंपनी को क्या करता है, बुलाता है बंगाल। ठीक है ना, आमंत्रित करता है। और अब ये जब बंगाल में जाते हैं ना, बंगाल में क्यों आमंत्रित करता है, तो फैक्ट्री कारखाने खोलने के लिए। ठीक है, कारखाने खोलेंगे तो रोजगार मिलेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन वहां पे कारखाने खोलने के लिए फरमान तो मुगल सम्राट से भी आपको प्राप्त करना पड़ेगा, और उस समय मुगल सम्राट कौन थे, तो उस समय औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब मुगल सम्राट था, और उससे फरमान प्राप्त करने थे, तो उसने भी कहा चलो ठीक है 1691 में फरमान जारी कर दे, लेकिन एक शर्त थी कि भैया तुम बंगाल में अगर अपने कारखाने खोल रहे हो तो आपको चुंगी नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन प्रतिवर्ष आपको 30,000 रुपए हमको देना पड़ेगा। 30,000 रुपए बहुत होता था उस समय। ठीक है ना, ये लोग तैयार हो गए, ठीक है हम लोग देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने बताया था तीन कारण थे, राजनीतिक, धार्मिक और आपका आर्थिक कारण, ये तीनों कारण ही क्या करते थे, अंग्रेज अपना अपनाते थे समय समय पे। ठीक है ना, अब देखिए क्या है, जैसे ही इनको अनुमति मिल गई ना, अब ये क्या कर लिए दोस्तों कि लगभग 1700 में ये बंगाल में जो भी कारखाने थे ना वो क्या कर लिए, अपने अधीन कर लिए। किसके, तो बंगाल में था आपका फोर्ट विलियम। ठीक है ना, फोर्ट विलियम। और आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे एक चीज छूट गया है, जरा सा याद रखिएगा कि जब ये मद्रास जो है ना, मद्रास को जब ये छीन लेते हैं ना दोस्तों, मद्रास को जब ये छीन लेते हैं तो वहां पे एक किले का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं सेंट जॉर्ज किला। ठीक है ना, सेंट जॉर्ज बोलते हैं उसको, सेंट जॉर्ज, इसको याद रखिएगा, सेंट जॉर्ज। ठीक है ना, कहां पे है सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज जो है वो था आपका मद्रास में। ठीक है ना, मद्रास में था, और यहाँ पे फोर्ट विलियम कहां था, तो बंगाल में था। ठीक है, फोर्ट विलियम कहां था, तो बंगाल में, यानी कि 1700 के आसपास जो है जो भी बंगाल के कारखाने थे वो फोर्ट विलियम के आसपास आ गए, और 1658 में कंपनी ने 1200 रुपए में राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया। जरा देखिएगा यहाँ पे,
धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में भी ये क्या कर रहे हैं, एंटर करना स्टार्ट कर दिए हैं, जैसा कि आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ठीक है ना, और यहाँ पे धार्मिक कारण, ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण घटना जो आपको याद रखनी है दोस्तों, वो याद रखनी है आपको 1717 की घटना, ठीक है ना। 1717 में क्या होता है कि जॉन शरमैन की अध्यक्षता में एक जो है ना पूरी सबमिट जाती है, इनके साथ पूरा एक कमेटी जाती है, और किसके पास उस समय मुगल सम्राट, क्योंकि 1707 में ही जो था औरंगजेब चल बसा था, ठीक है ना, अल्लाह को प्यारा हो गया था, तो 1717 ईस्वी में ही क्या हुआ था, उस समय जो मुगल सम्राट था वो फर्रुख सियर था, ठीक है ना, फर्रुख सियर था, और फर्रुख सियर से फरमान लेने गए थे ये लोग, ठीक है ना, फर्रुख सियर से फरमान लेने गए थे, और लेने गए थे तो फर्रुख सियर को इन्होंने क्या कर लिया, मोटिवेट भी कर लिया, और 1717 में क्या करते हैं जरा देखिएगा यहाँ पे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे। 1717 में ये फर्रुख सियर से क्या होता है कि फरमान प्राप्त करने में ये सफल रहते हैं, और किस प्रकार का फरमान, फरमान तो इन्होंने अंग्रेज औरंगजेब से भी प्राप्त किया था, लेकिन औरंगजेब ने कहा था भैया फरमान तो तुम देंगे हम चुंगी फ्री का, इनको क्या चाहिए था कि हमारे यहाँ चुंगी फ्री हो जाए, कोई टैक्स ना लगे हमारे ऊपर, ठीक है ना, तो ये कहा कि ये भी चलाक था, ये भी कहा ठीक है तुम कोई टैक्स मत देना, लेकिन साल का 30,000 बेटा तुम दोगे तुम, ठीक है, बंगाल का। अब क्या कर लिया कि जैसे ही फर्रुख सियर से फरमान प्राप्त किया ना, तो फर्रुख सियर और इनके फरमान में अंतर देखिए क्या है, इसके फरमान में जो अंतर था कि सबसे पहला चीज भैया बंगाल का जो सॉरी कोलकाता के आसपास के क्षेत्रों में राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है इनको। देखिए इस फरमान के द्वारा क्या क्या होता है, तो कोलकाता के आसपास के क्षेत्रों में, जरा ध्यान से सुनिएगा, कोलकाता के आसपास के क्षेत्रों से इनको राजस्व प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरा, सूरत में इनको प्रतिवर्ष 10,000 रुपए देने पड़ते थे, ठीक है ना, अब उसको क्या हुआ, बिना शुल्क, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, अब सूरत में वो 10,000 रुपए भी इनको नहीं लगने हैं, और ये बिना शुल्क की क्या करेंगे, वहां पे अपना व्यापार करेंगे, ठीक है। अब बंगाल में जो 30,000 रुपए लगते थे ना, जैसे आपको बताया औरंगजेब के फरमान के द्वारा, अब वो 30,000 रुपया यहां से खत्म, ठीक है ना, अब ये बकलोला क्या बताया, ठीक है ना, ये क्या कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, और ये जब खत्म कर दिया ना, अब देखिए यहाँ पे यानी कि पूरा शुल्क मुक्त व्यापार करना स्टार्ट कर दिया इस फरमान के द्वारा, ठीक है। और लगभग लगभग क्या है ना कि जब आपका 1661 ईस्वी में जब पुर्तगाल और ये दोनों साथ आ जाते हैं, अब उस समय क्या होता है कि पूरे भारत से जो है डचों को खदेड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, अब डचों को अंग्रेज खदेड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये क्या होता है कि अब डच बेचारे जो होते हैं ना वो सिमट के रह जाते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है ना, और उनका जो प्रभुत्व था लगभग 3 शताब्दियों तक जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में ही वो क्या करते हैं, वो अपना अधिकार जमा के रखते हैं, बाकी सारा जो अधिकार था अब अंग्रेजों के हिस्से में आ गया था, ठीक है ना। अब तो चूंकि ये तो अंग्रेजों का एक शुरुआती दौर था जो हमने इस वीडियो में जाना, अब आपको जो है अब आगे इन्हीं के बारे में पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हम जो है थोड़ा सा फ्रांसीसियों के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण है, वहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, तो इसके अगले वीडियो में हम फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।